नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सागर और मैं एक यूट्यूबर हूं जो कि टेक्निकल सागर नाम के एक चैनल को चलाता हूं। आज मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा, यूट्यूब के बारे में बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पर क्या चल रहा है, कैसे अंधभक्ति आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि देखने से पहले इस वीडियो को आप पूरी तरीके से ऑफलाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो डिलीट करा दी जाए या मुझे प्रेशराइज किया जाए इसको डिलीट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास होगी तो आपको पता रहेगा कि पूरी आप देख पाएंगे, नहीं तो ये तुरंत भी डिलीट हो सकती है डालने के बाद। आज मैं एक इंसान के बारे में बात करना चाहूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर इस वीडियो में, मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूँगा बट यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस एक हिंट दूँगा आपको, आप खुद समझ जाइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ सौरभ के बारे में, जो टेक्निकल जो आप लगा सकते हैं वो घटिया इंसान है। मैं चाहता तो उसका नाम ले लेता, मेरे को डर नहीं किसी बात का, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे हम उनका नाम। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशली ये उनके ऊपर वीडियो है। लोग उनको यूट्यूब पर भगवान बना बैठे हैं, उसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं नीचे लेवल पे आके बात नहीं करता। मैं आज बताना चाहूँगा मेरा लेवल क्या है। 150 रुपये पर महीने से काम करके साइबर कैफ़े में, अभी मैं 3 महीने में अभी मेरे को 15 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर बोलोगे तो स्टेटमेंट दिखा दूंगा, अभी लाखों में, मतलब मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा या मैं अपना शो ऑफ नहीं कर रहा, बट अपने दम पर बिना माँ बाप से कुछ भी सपोर्ट लिए अपने दम पर, बहुत अब मैं खुद चीज़ें खरीदता हूँ, इवन मैं माँ बाप की भी खुद ही हेल्प करता हूँ। तो 150 रुपये महीने से लेकर और लाखों तक का सफ़र तय किया है मैंने इतनी छोटी उम्र में, बल्कि बहुत पहले जब मैं टीनेजर ही था। रही बात बात करने के शिष्टाचार की और लहजे की और तहजीब की, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेक्निकल जी, मैं आपसे ज़्यादा खुद को अच्छा समझता हूँ। ये मेरा कोई घमंड नहीं है और ऐसा मैं शो ऑफ नहीं कर रहा, ये मेरा विश्वास है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, ये इंसान कैसे पनपा और कैसे यूट्यूब पर इसने नेगेटिविटी फैला दी, इसके बारे में बात करेंगे। एक यूट्यूबर थे वर्मा जी ने शुरुआत की, कोई उनको क्रेडिट नहीं देता, बट यूट्यूब पर अगर किसी ने हिंदी में गैजेट्स को रिव्यू करना शुरू किया, फ़ोन्स को रिव्यू करना शुरू किया हिंदी में, तो वो पहले अच्छे स्तर पर वर्मा जी थे। वर्मा जी के कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सौरभ, जो अभी टेक्निकल उसके नाम से दाढ़ी वाला है, वो तो दाढ़ी वाला आदमी है। उसने क्या किया, उसने एक वीडियो बनाई और वर्मा जी के चैनल पर अपलोड करने की रिक्वेस्ट की। वर्मा जी ने खुले दिल से एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हो और मैं इस वीडियो को डाल देता हूँ ताकि आपका भी कुछ भला हो जाए, आप भी कुछ नया करना चाहते हो। उन्होंने ऐसा कर दिया और इसी ज़रिए टेक्निकल उसका या सौरभ का चैनल चल पड़ा। लेकिन बात यह है कि सौरभ अब कभी भी उनको क्रेडिट नहीं देता और हमेशा उनसे मतलब दूरी ही बनाए रखता है। अब लेवल की बात हुई कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोग ये बोलते हैं मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लोग बोलते हैं कि हमारे जो टेक्निकल हैं वो इतना बड़ा पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर जियो नहीं होता और उनके चैनल को किसी ने पुश नहीं किया होता, उनकी वीडियो नहीं डाली होती, तो आज भी 2 या 3 लाख पर होते, ये मेरा दावा है। अगर जियो नहीं होता और उनकी किसी ने उनको भीख में चैनल का सपोर्ट नहीं दिया होता, और वो भी एहसान फरामोश, कभी एहसान नहीं मानते उनका, तो उनका चैनल आज भी 300K पे था। मेरे चैनल, मैं अपने अब कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आज मैं बोलूँगा, मेरे चैनल को किसी ने प्रमोट नहीं किया। जो लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता उनकी 300 वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते, और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर चैनल को पुश मिल जाए, शुरुआत में कुछ देखने वाले लोग मिल जाएँ, तो वो चैनल चल पड़ता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। तो इनको YouTube की सक्सेस भी शुरुआत में भीख पर मिली है और ये अपने दिल पर हाथ रख के ये नहीं बोल सकते कि ये सारी इन्हीं की मेहनत है जो इन्होंने शुरू किया है। बात करते हैं इनके बिज़नेस की, ये लेवल की बात करते हैं, तो मैं ज़रा बात कर देना चाहूँगा इनके लेवल क्या है। इनका बिज़नेस है दुबई में और ये कुछ इंजीनियर वगैरह कुछ है, इन्होंने इंजीनियरिंग की है लेकिन ये अपने फैमिली बिज़नेस पे काम करते हैं। मतलब जो इनका बिज़नेस है ये भी इनका एस्टेब्लिश किया हुआ नहीं है, ये इनका फैमिली बिज़नेस है। मतलब ये वो व्यक्ति हैं जो जन्म से ही मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इन्होंने कुछ स्ट्रगल नहीं देखा, कुछ भी चीज़ खुद से शुरुआत नहीं की। ये दावा करते हैं कि इनको एप्पल से जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं लेकिन उसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है, और पैसा हो तो लोग कोई भी प्रमाण वगैरह कुछ भी बनवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जो बहुत ही मेहनती था, जिसका नाम था टेक्नो नुहेज, NUHEJ, टेक्निकल नुहेज।
एक बहुत ही हार्डवर्किंग यूट्यूबर, एक बहुत ही अच्छा इंसान, और उसने शुरुआत एक बॉटल होता है बॉटल, वो गमला, उसमें मिट्टी रख के सेल्फी स्टिक लगा के बहुत नीचे से शुरुआत की। बहुत स्ट्रगल देखा उस आदमी ने, और माशाल्लाह आज उसका सेटअप वगैरह मैं देखता हूँ, बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। उस इंसान को सौरव ने दो कौड़ी का इंसान कहा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा, उसको लगता था कि जिसके पास पैसे नहीं है, सौरव को ये लगता था, तो वो दो कौड़ी का इंसान है। उन दोनों ने कोलैब भी किया था, मैं आपको बता दूं। लेकिन कोलैब करने के बाद क्या होता है, कोलैब का मतलब, कोलैब का मतलब होता है दोनों यूट्यूबर आपस में मिलकर एक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो दोनों के चैनल पर आएगी। लेकिन वो जो कोलैब की वीडियो है वो सिर्फ नुहेज के चैनल पर आई, टेक्निकल या जो सौरव है उसके चैनल पर कभी नहीं आई। और जब उससे पूछा गया कि तुमने वो वीडियो अपने चैनल पर क्यों नहीं डाली, या कोई भी पूछता है कि क्यों नहीं डाली, तो पता है क्या जवाब दिया टेक्निकल ने? बोला, मेरे टैग से तुमको व्यूज तो आ गए ना, अब अपना काम करो। इतना घमंड, इतना घमंड। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप ये सब कैसे सिखाते हैं, आपने कैसे सीखा, तो टेक्निकल ने ये जवाब दिया कि जो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इंजीनियरिंग में क्या प्रोफेसर लोगों को नीचे गिराना, उनको गलत बोलना, मोबाइल फ़ोन के डब्बे खोलना और न्यूज़ रिपोर्टिंग करना सिखाते हैं? मैंने तो आज तक ऐसा इंजीनियरिंग का कोई भी कॉलेज नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये चैनल तो चलाते हैं टेक्नोलॉजी का, खैर अच्छी बात है, लेकिन आए दिन ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन के डब्बे ही खोलते हैं। इनकी नींव स्ट्रांग नहीं है, ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। ये किसी आर्टिकल पर जाते हैं, वहाँ से थोड़ी हेडलाइन पढ़ते हैं, और इनको बकवास करना बहुत अच्छे से आता है। अगर आप इनको दो तीन लाइन दे देंगे तो इस पर पूरे हफ्ते बकवास कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उस पर बकवास करते हैं, इनकी नॉलेज खोखली होती है और उन्हें बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट, इन खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं इनकी वीडियो की बहुत ही आसानी से धज्जियाँ उड़ा सकता हूँ और इनको बता सकता हूँ कि इनको कोई भी नॉलेज नहीं है। अब इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर इन्होंने कहा था कि माय मिनी आईफोन, मैं आपको बता दूँ वो मिनी आईफोन नहीं था, वो सिर्फ एक कार्ड फोन था और इसे क्लिक बेटिंग कहा जाता है। इनके चैनल की ग्रोथ पर अगर आप नज़र डालोगे तो ज़्यादातर वीडियो आपको वायरल सिर्फ जियो की न्यूज़ और आई बॉट या ऑडी, मैंने ऑडी खरीद ली या मैं इतने पैसे कमाता हूँ, ये इनकी वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी और इन्हीं की वजह से इनकी ग्रोथ हुई है। ये समझते हैं कि आप भिखारी हैं, ये तीन तीन आईफोन के गिव अवे लगा देते हैं और आपसे कहते हैं कि इसको शेयर करें। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, तभी मैं आपको ये आईफोन दूंगा। और लोग पागलों की तरह एक आईफोन के पीछे उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, उनको नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सिर्फ डब्बे खोलने देखना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निकल आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा और आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप सिर्फ एक न्यूज़ रिपोर्टर, एक न्यूज़ रिपोर्टिंग और डब्बे खुलने के बीच में ही रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं गैजेट्स टू थ्रो के बारे में, या गैजेट्स टू, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले, या साल भर हो चुका है उसको या ज़्यादा वक्त हो गया होगा, एक टीम बनी थी। उसमें एक ऐसा सदस्य था जो काफ़ी सीनियर था, जो कि एक प्रो ब्लॉगर था। मैं यहाँ किसी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रो ब्लॉगर इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से है, उसका नाम बहुत पहले से है और वो बहुत सीनियर है। एक प्रो ब्लॉगर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कितनी मेहनत लगती है एक वेबसाइट को रैंक कराने में, जब ये उस टेक्निकल को पता चलेगा तो वो बेहोश हो जाएगा। वो एक प्रो ब्लॉगर है और इंडस्ट्री में बहुत पहले से हैं, इसीलिए उनको सारी कंपनियां मोबाइल फ़ोन्स भेजती हैं और इसीलिए वो रिव्यू करते हैं और इसीलिए कंपनियां उनका ख्याल रखती हैं। आपको भी पता होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा दिन तक काम करता है, बूढ़ा हो जाता है काम करते रहते, या बहुत उसको एक्सपीरियंस होता है, तो वो कंपनी उस एम्प्लॉय की बहुत रिस्पेक्ट करती है। रिस्पेक्ट के तौर पर और एक इस्टेब्लिश्ड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर वो उनको कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, और इसीलिए ऐसे प्रो ब्लॉगर्स और ऐसे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको मनाली की ट्रिप या ऐसे घूमने की जगह दी जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मनाली घुमाया जाएगा और आप बायस्ड रिव्यू देंगे। रही बात बायस्ड की और पेड रिव्यूज़ की, तो मैं आपको बता दूं, अब मैं स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करूंगा, पेड के बारे में बात करूंगा। टेक्निकल, ये जो सौरव है, जो टेक्निकल है, इसकी वीडियो के कई डिस्क्रिप्शन में और आप इसके टेक टॉक्स में और इसके टेक न्यूज़ में, आप इनके डिस्क्रिप्शन में, दाढ़ी वाला जो इंसान है इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो VPN के प्रमोशन भरे पड़े। और मैं आपको बता दूं, वो थर्ड क्लास VPN है जिसका वो प्रमोशन कर रहा है, जो आपको अच्छा बता रहा है कि आप VPN डाउनलोड कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय ये, और वो देखता भी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, बस लगा देता है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई इंडिया में रहने वाला इंसान कमाए तो वो गलत है। कोई व्यक्ति दुबई में रह के इंडिया से पैसा कमा के दुबई ले जाए तो वो आपको अच्छा लगता है,
लेकिन एक मेहनत कश इंसान जो 7-8 साल से इंडस्ट्री में है, 10-5 पैसे कमा ले, तो वो आपको गलत लगता है। ये सच्चाई है, क्योंकि आप उस इंसान को भगवान बना बैठे। और घमंड तो अकबर का भी नहीं रहा, तुम क्या चीज़। आपको लग रहा होगा मेरे बात करने का लहजा कितना ख़राब है और मैं उसको दाढ़ी वाला इंसान क्यों बोल रहा हूँ। जितने भी यूट्यूबर से अभी तक मेरी बात हुई है, मैं ज़्यादा यूट्यूबर कम्युनिटी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। मैं अपने आप को एक यूट्यूबर कंसिडर नहीं करता, मैं एक मिशन के साथ आया हूँ, साइबर सिक्योरिटी के बारे में और टेक्नोलॉजी के सिखाने के मिशन के बारे में आया हूँ। ये मिशन मैंने तब शुरू किया था जब मैंने साइबर कैफे में काम किया था और जब मैंने देखा था कि लोगों को ऑर्कुट खोलना भी नहीं आता। मैंने सोचा हमारी कंट्री में हम टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी बात करते हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारी कंट्री से बन के जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बन के जाते हैं, और उसी कंट्री में कुछ ऐसे लेवल के लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको इतनी बेसिक्स भी नहीं पता। तो आप किसी भी यूट्यूबर से जिससे मैंने बात की, आप पूछ सकते हैं कि अभिषेक सागर कैसा इंसान है, उसके बात करने का तरीका कैसा है और वो कितनी रिस्पेक्ट से बात करता है, आपको पता चल जाएगा। रही बात राखी सावंत की, तो मैं आपको बता दूँ, राखी सावंत एक एंटरटेनर है और मेरी परवरिश ने मुझे ऐसा नहीं सिखाया कि मैं किसी औरत का नाम बीच में लाऊं और किसी की ऐसी बेइज्जती करूं, ये गलत बात है। और मेरी परवरिश ने तो ऐसा नहीं सिखाया, किसी और के बारे में मैं कह नहीं सकता। जो लोग रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, चाहे वो टेक्नो नुहेज हों, कंज्यूमर हों, सपोर्ट माई सपोर्ट हो, या जितने भी लोग हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं उनका पूरा नाम नहीं ले सकता, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो नीचे से उठे हैं, आपने गौर किया होगा उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंड नहीं है। डाउन टू अर्थ है, आपसे इतने अच्छे से बात करते हैं, उन इंसानों से बात करने का दिल भी करता है, बहुत दिल करता है, अच्छे लोग होते हैं। बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो मैं फिर कभी आपको वीडियो में विद प्रूफ दिखाऊंगा और मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% करेक्ट है। लोगों को चैनल बंद कराने की धमकी दी जाती है। यूट्यूब के कुछ एम्प्लॉय हैं जो शायद उनके कुछ अच्छे दोस्त हैं, या यूट्यूब सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है जो यूट्यूब को ज़्यादा बिजनेस ला सकते हैं। वाजिब बात है, कोई भी कंपनी यही करेगी, यूट्यूब भी तो एक कंपनी है, तो वो कभी भी कंपनी उन्हीं को सपोर्ट करेगी, नॉर्मल यूट्यूबर को नहीं करेगी। मेरा चैनल आज बंद होता है, कल बंद हो जाता है, आई डोंट केयर। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं, अगर बोलते हैं कि पैसे के लिए सागर कर रहा है, अरे सागर को तुम जानते कहाँ हो, अब मेरे घर में वैगनआर चलाता हूँ मैं, मेरे पैसे से खरीदिए, मैंने सब कुछ मेरे पैसे से खरीदा है, नीचे से उठाऊँ, अपने दम पर उठाऊँ, इस उम्र में उठाऊँ, और आने वाले दिनों में आप गवाह होंगे मैं कहाँ पहुँचता हूँ। और तब हम बात करेंगे कि कौन अपने लेवल पे आया है और कौन भीख से आगे बढ़ा है और परिवार के पैसों पर उछल रहा है। बोलते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, लोगों को धमका दिया जाता है, बोलते हैं मैं कहीं से भी केस लड़ सकता हूँ। जब इंसान का दिमाग ख़राब होता है तो केस तक तो बात पहुँचती भी नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। तो ये थी कुछ सच्चाई उस इंसान की जो यूट्यूब पर भगवान बन बैठा है। इसके ऊपर मैं और रेगुलर एपिसोड बनाता रहूँगा, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए विद प्रूफ है जो मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। इस वीडियो को तो आपने शायद डाउनलोड कर ही लिया होगा। मुझे इस बात की और हैरानी होती है, जब कोई इंसान आपको पेड़ या कुछ गलत बोल देता है किसी को भी, तो वो इंसान कैसे चुप रह जाता है। जो गैजेट्स टू थ्रो वाले जो थे व्यक्ति, वो बेचारे चुप रह गए, और यही एक बड़प्पन होता है। और मैं आपको बता दूँ, उन्होंने बायस्ड रिव्यू नहीं किया था, उन्होंने बस एक को किसी को थोड़ा अच्छा बताया था। अब बोलते थोड़ा अच्छा और ज़्यादा अच्छा क्या होता है, या तो एक फ़ोन ख़राब होता है या अच्छा होता है। जी नहीं, रिव्यू का ये मतलब नहीं होता। रिव्यू का मतलब होता है कि जो अच्छी चीज़ें उन्हें अच्छा बताया जाता है, और जो गलत चीज़ें उनको गलत बताया जाता है। वो सारी चीज़ें सामने रखी जाती हैं, इसी को रिव्यू कहते हैं। लेकिन जो नए आए लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। और उस इंसान ने जिसको ऐसे किया, एक्सपोज किया, जो भी किया, वो इंसान कुछ नहीं बोला, बस थोड़ी सी सफाई दी और वो अपना काम करने लग गया। हम बात करते हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, वो इंसान अभी तक काम पर ध्यान दे रहा है। कौन चीप पब्लिसिटी कर रहा है और कौन नेगेटिविटी फैला रहा है, ये आप जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि उसके आने से पहले यूट्यूब पर नेगेटिविटी का नाम भी नहीं हुआ करता था, और उसके आने के बाद से उसकी सबसे लड़ाई हुई कंज्यूमर टेक्नो नुहेज सपोर्ट वालों से पंगा हुआ था, माई सपोर्ट से हुआ था, लेकिन उनकी वीडियो डिलीट करा दी गई क्योंकि उन्होंने YouTube के डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे ये व्यक्ति महान बन रहा है, ये बोलता है कि मैं इंडिया आता हूँ तो आप मेरा फ़ायदा उठाइए, मेरे साथ वीडियो बनाइए, कोलैब कीजिए। कोलैब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं, सिर्फ आप महान बन रहे हैं उनके चैनल्स पर आके, और ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है, उस यूट्यूबर के फ़ायदे के लिए नहीं। उस यूट्यूबर को ये नहीं पता कि वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है, उसके चैनल पर कोई और व्यक्ति आ रहा है और वो व्यक्ति और ज़्यादा ऊपर चलता चला जा रहा है, और जो चैनल पे वो आया है वो अपनी पहचान खोता चला जा रहा है। अगर ग्रो करना ही है, अगर कोलैब करना ही है, तो दोनों के चैनल पर वीडियो डलनी चाहिए। कोलैब का असली मतलब यही होता है। मैं आपके सामने और कुछ तथ्य रखूँगा,
और अपने बारे में और उनके बारे में क्या झगड़ा हुआ था उसके पूरे प्रूफ विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और उस इंसान ने आगे क्या किया वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस इंसान के रेट्स क्या हैं, ये रिव्यू करने के कितने रेट लेता है ये बिकाऊ है मैं आपको बता दूं, और इसके रेट मेरे को पता चल गए हैं, कहां से निकाले ये मत कहना, मैं एक एथिकल हैकर हूं, तारीफ नहीं कर रहा, बट मेरे पेशे में चुटकियों का खेल है ये। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।